नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। आईपीएल 2021 में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली की टीम अब तक 3 मैच खेल चुकी है और 2 मैच जीत चुकी है। पहले मैच में उसने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। दूसरे मैच में उसने राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं तीसरे मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ उसे जीत मिली थी। दिल्ली के लिए सबसे अच्छी बात है कि उसके दोनों ओपनर पृथ्वी शाह और शिखर धवन बेहतरीन फॉर्म में हैं और टीम को शानदार शुरुआत दिला रहे हैं। चेन्नई के खिलाफ दोनों शतके साझेदारी करके मैच को एक तरफा बना दिया था। इसके बाद पंजाब के खिलाफ मैच में शाह ने 17 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली। वहीं शिखर धवन ने 49 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली थी। इनकी पारी के बदौलत दोनों मैचों में टीम ने आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया। ऋषभ पंत भी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के खिलाफ प्लेइंग 11 की बात करें तो एनरिक नारकिया को क्रिस बोक्स की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं स्पिनरों के मुफीद पिच होने के कारण लुकमान मेरीवाला की जगह अमित मिश्रा को टीम में जगह मिल सकती है। स्टीव स्मिथ को नंबर 3 पर एक और मौका मिलेगा। आवेश खान, कैगिसो रबादा और रविंद्रन अश्विन की मौजूदगी में दिल्ली की गेंदबाजी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं चोटिल ईशांत शर्मा की जगह टीम में शामिल आवेश खान ने मौके का भरपूर फायदा उठाया है। आगे के अपडेट पर लगातार बनी रहिए हमारी नज़र। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।